वेलकम टू कुक स्मार्ट। मैं हूं संजीव कपूर और आज हमारी किचन में क्या बन रहा है चलिए देखते हैं। भाई मजा तो तभी है जब खाने में नई नई चीजें बनाई जाएं। अब नई चीजें कैसे बनेंगी? नई चीजें तो तभी बनेंगी जब उसमें कुछ नयापन होगा, कुछ नया करेंगे और फिर भी सिंपल हो, कन्वीनियंट हो, किसी के पास आज का टाइम नहीं होता है और उसके साथ साथ हेल्दी भी हो। तो स्मार्टनेस उसी में है कि आपके फ्रिज में क्या क्या है वो आपने चेक कर लिया और उसके हिसाब से आपने मेन्यू बनाया। अब जैसे ये जो रेसिपी है ये मैं बनाऊंगा ये काबुली चने से। देखिए काबुली चने जो हैं ये उबले हुए काबुली चने आजकल कैन में भी मिल जाते हैं, लेकिन आप चने बनाएं तो काबुली चने अगर थोड़े से एक्स्ट्रा उबाल के फ्रिज में रखें तो काफी देर तक ये रह सकते हैं। और अब क्या करना है, थोड़ा सा पेपर्स, ये जो है शिमला मिर्च, ये ले ली हमने। और उसके बाद ये बीच में से जो इसका सफेद हिस्सा है ये निकाल लेते हैं और इसे रोस्ट करना है। ग्रिल करने के लिए ये ग्रिल पैन, इसमें आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या नॉर्मल ऑयल लेना है वो ले सकते हैं। तो ये ग्रिल पैन जो है इसके अंदर ग्रिलिंग जरा बढ़िया होती है। तो गार्लिक को ग्रिल करना है हमें। ये देखिए ये लिया, क्रश किया, लिया, क्रश किया, क्रश। ये जो तेल है इसमें ये ले लिया और इसके साथ साथ ये हमारे पास कैप्सिकम, ये हमारे पास चेरी टोमेटोज, ये भी थोड़े से रोस्ट करते हैं। ध्यान से जरा जो गार्लिक है ये देखिए बढ़िया लाल होना शुरू हो गया है, नाइस, थोड़ा सा बर्न्ट। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं हम, ये सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियां। ये देखिए अब एक ये बोल, इसमें ये हमारे चिक पीस और इसके साथ साथ कटे हुए ऑलिव्स, ये इसके अंदर, अच्छा ये जो ऑलिव्स हैं ये थोड़े से ज्यादा कटे हुए ऑलिव्स। और अब ये जो सब्जियां हैं ये जरा बंद कर दी और पेपर्स रोस्ट की हुई और ये जो पेपर हैं जिसको रोस्ट किया है हमने ये देखिए सॉफ्ट भी हो गए हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसके छोटे पीसेस। तो इसमें जो साइज हम रखेंगे पेपर्स का भी वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, और ये इसके अंदर ये लीजिए बेसिल लीव्स जो हैं काफी फ्लेवरफुल, लेकिन इसको थोड़ा सा काट के या तोड़ के, बहुत ज्यादा बड़े पत्तियां नहीं चाहिए लेकिन एकदम छोटी भी नहीं। ये देखिए इस तरह से फ्रेश बेसिल लीव्स और फ्रेश बेसिल लीव्स इसके अंदर, थोड़ी सीजनिंग इसके अंदर, भाई सैलेड के अंदर सीजनिंग तो चाहिए ही ना। तो इसमें नमक, उसके साथ साथ क्रश्ड ब्लैक पेपर, क्रश्ड रेड चिली और उसके साथ साथ नींबू, ये लीजिए सीजनिंग हो गई। और अब इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये डालने के बाद ये जो मेरे पास है टमाटर और उसके साथ साथ गार्लिक, ये इसके अंदर, एक्चुअली ये जो मेरे पास है मसाला सा, ये सारा मैं इसका फ्लेवर इसके अंदर ले लेता हूं। ये लीजिए भाई, अब ये जो सैलेड है इसके अंदर
स्वाद भी जबरदस्त और अपने आप में ये कंप्लीट मील समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो चिकपीज हैं हाई प्रोटीन, उसके साथ साथ सब्जियां हल्की सी रोस्ट की हुई, बस अपना एक बड़ा सा बोल ये बनाया और आप इसको मील की जगह खा सकते हैं। नाइस कलर्स, टेस्टी डिलिशियस चिकपी सैलेड विद रोस्टेड वेजिटेबल्स। चिकपी सैलेड विद रोस्टेड वेजिटेबल्स बनाने के लिए एक कप काबुली चने रात भर भिगोकर फिर नमक के साथ उबाले हुए, एक बड़ी हरी शिमला मिर्च, 25 से 30 चेरी टोमेटोस, 10 लहसुन की कलियां, 3 से 4 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 3 बड़े चम्मच स्लाइस किए हुए हरे ऑलिव्स, 15 से 20 ताजे बेसिल के पत्ते, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा नींबू। चिकपी सैलेड विद रोस्टेड वेजिटेबल्स बनाने के लिए हरी शिमला मिर्च के बड़े टुकड़े करें। एक नॉनस्टिक ग्रिल पैन में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालकर गरम करें। लहसुन की कलियों को मसल कर पैन में डालें। हरी शिमला मिर्च के टुकड़े और चेरी टोमेटोस को भी ग्रिल पैन में डालें। उस पर थोड़ा नमक छिड़के और भूने जब तक वे हल्का सा जल जाए। एक बड़े मिक्सिंग बोल में काबुली चने डालें, उसमें हरे ऑलिव के स्लाइस डालकर मिला लें। पैन में से शिमला मिर्च के टुकड़े निकालें और छोटे टुकड़े करके बोल में डालें। बेसिल के पत्ते काटकर डालें, फिर नमक, कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, आधे नींबू का रस, बचा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, भुने चेरी टोमेटोज और लहसुन डाले, अच्छी तरह मिलाए और परोसे।